ठीक है, कैसे पता चला? ठीक है, ठीक है। 21.2 इसमें स्ट्रेटेजी बदली है, देखिए कैसे बदली है और क्या बदली है। 4x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी होल स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में? हाँ, इसको आपको कैसे हैंडल करना है, इसको बराबर सपोज करना है a अपान, पहले बगैर पावर के लिखना है x प्लस 1 और फिर दूसरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ दूसरी वैल्यू रखनी है स्क्वायर के साथ। अगर 3 पावर होती तो क्या करते, पहले पावर 1 लिखते, फिर पावर 2 लिखते, फिर तीसरा कांस्टेंट c लेते और पावर 3 लिखते। ये स्ट्रेटेजी इख्तियार करते हैं जब जब क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा 4x माइनस का 3 एज इट इज़ और x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या निकलेगा, यही निकलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे इसको कंपेयर किया, एक कट गया, एक बच गया, और इसको इससे कंपेयर किया, सभी कट गया, सिर्फ क्या बच गया, b बच गया। अब आप x प्लस 1 को किसके, ये तो कट गया आपस में, यहाँ से क्या बचा, 4x माइनस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू a x प्लस 1 प्लस का b। अब यहाँ पर आप x प्लस 1 को किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर। लेट x प्लस 1 बराबर है किसके, 0 के। तो x इज इक्वल टू प्लस का 1 मान जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, x की वैल्यू माइनस का 1 आ गई। इसमें पुट कर दें, 4 की जगह 4, x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 1, और माइनस का 3 ऐसे आ गया। ठीक है, और इज इक्वल टू a एज इट इज, और x की जगह पे, x प्लस 1 की जगह पे 0 आ जाएगा ना, प्लस का b, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 4 वन का माइनस 4 और 4 माइनस का 3, ये वाली चीज़ 0 हो गई, b की वैल्यू माइनस का 7, b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, a की, a की वैल्यू कैसे निकाली जाए, x को 0 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ x दरअसल क्या होगा, 0 होगा, 0 मानने से क्या होगा, तो लेट x इज इक्वल टू 0, x अगर 0 मानेंगे तो यहाँ क्या होगा, 4x की जगह 0 इज इक्वल टू a x की जगह पे 0 प्लस 1, कहाँ माइनस 3, हाँ माइनस 3 मैं भूल गया, ठीक है ये माइनस 3 है, और b की जगह पे क्या आ जाएगा, b ऐसे ही आ जाएगा। तो a की पावर 4 को 0 से देंगे 0, माइनस का 3 ऐसे आ गया, इज इक्वल टू a वन दा a, और b की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, b की वैल्यू हमने क्या निकाली है अभी, माइनस का 7, यहाँ क्या लिखते हैं, माइनस का 7, प्लस माइनस 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 का 7 यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 7 माइनस 3 इज इक्वल टू a के, 7 में से 4 गया 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3, 7 माइनस 3 है, ये माइनस का 7 था, ये माइनस का उठ के यहाँ आया तो किसका बन गया, प्लस के 7 में से 4 गया तो प्लस का 3 बचा। तो अब आपके पास जो इक्वेशन आई वो क्या आ गई, ये वाली 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a, a की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और b की जगह पे क्या लिखेंगे आप,
बी की जगह पे क्या लिखेंगे आप, माइनस का सेवन। जी सेवन में से फोर माइनस नहीं होगा, थ्री होगा, ठीक है, क्योंकि थ्री था ना यहाँ पर, तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, सेवन में से थ्री गया फोर, तो यहाँ ए की जगह पे क्या लिखेंगे, फोर, और ये बी की जगह पर क्या है, माइनस सेवन, तो बी की जगह पे मैंने माइनस सेवन माइनस लिखा, और सेवन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये जवाब है। तो चेक करें कि आता है या नहीं आता, देखें फोर अपान एक्स प्लस वन है, इसमें से माइनस करो सेवन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम क्या निकलेगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इससे ये कटा एक बचा, एक बचा क्या, एक्स प्लस वन माइनस सेवन, इससे तो ये पूरा ही कट गया, चार ही कम चार एक्स, और चार ही कम प्लस का चार माइनस का सेवन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सात में से चार गया फोर एक्स माइनस का थ्री अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यही है, इसका मतलब ये बिल्कुल जवाब सही निकला, उतार लें। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस का थ्री, क्या करें इसका, अब देखिए यहाँ पर ये एक अदद है, फिर इसका स्क्वायर है, और फिर ये एक अदद है, तीन चीज़ें हो गई, इस पर तीन वेरिएबल आएंगे, ठीक है, कैसे, मैंने लिखा ए डिवाइडेड बाय, बगैर पावर के लिखा एक, फिर बी के साथ क्या लिखा, इसकी अगेन पावर लिखी, और फिर सी के साथ क्या लिखा, ये लिखा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। मैंने यहाँ से कहा अगर फर्स्ट करो ये होता ए एक्स माइनस थ्री का पावर तीन, तो क्या करते, ए के साथ पावर वन लिखते, बी के साथ पावर टू लिखते, और सी के साथ पावर थ्री लिखते, यहाँ पे भी एक कितनी पावर है, पहले सिंगल पावर डबल पावर, ये तो पूरा हो गया, ये तीसरा है वो एक्स प्लस थ्री के साथ लिखते, क्लियर हो गई बात आपको, ये आपको थोड़ा समझ में आया, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस का थ्री डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस थ्री, और इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, अब इसको इससे कंपेयर करें, क्या कटेगा और क्या बचेगा, एक्स एक्स कट गया, एक एक्स बचा और क्या बचा, x प्लस थ्री बचा, ये बात क्लियर हो गई, इक्वल का निशान प्लस का निशान ये वाला, इसको इससे कंपेयर करें, स्क्वायर करें, x प्लस थ्री बचा, ठीक है, और इसको इसके साथ कंपेयर करें तो क्या बचा, x स्क्वायर बचा, सी x प्लस थ्री से x प्लस थ्री कट चुका है, ये बात क्लियर हो गई, इससे ये वाली बराबर क्या करें, इसको मल्टीप्लाई एक को एक्स से दें, ये हम पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले हम ये नहीं करते, इससे पहले हम क्या सपोज करते थे, थ्री ए एक्स प्लस बी एक्स तो क्या आ गया, डी एक्स, बी को थ्री से दी क्या आ गया, थ्री बी, और सी एक्स स्क्वायर, ये बात क्लियर होगी, यहाँ पर
एक नई स्ट्रेटेजी हम इख्तियार कर रहे हैं, वो ये कि राइट साइड वाले सारे एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड वाले सारे एक्स स्क्वायर के बराबर होंगे, लेफ्ट साइड वाले एक्स राइट साइड वाले एक्स के बराबर होंगे, लेफ्ट साइड वाला कांस्टेंट राइट साइड वाले कांस्टेंट के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो देखें ये कांस्टेंट बगैर एक्स के, यहाँ कांस्टेंट कौन है, थ्री भी बगैर एक्स, ये बात क्लियर हो गई। तो थ्री भी बराबर में थ्री, तो बी किसके बराबर आ गया, वन के, पहली वैल्यू आ गई। तो मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ ताकि जगह मुझे मिल जाए। तो बोलते क्या है, इसको बोलते हैं कि कंपेयरिंग लाइक वेरिएबल बोथ साइड, बोथ साइड के जो लाइक वेरिएबल हैं वो आपने कंपेयर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग लाइक वेरिएबल बोथ साइड। चलिए अब तीन को किसके बराबर रखा, थ्री बी के, बी किसके बराबर आ गया, वन एक तो थ्री ए एक्स और एक बी एक्स के, तो थ्री ए एक्स प्लस का बी एक्स, ये बात क्लियर हो गई। सेवन एक्स मैंने ऐसे लिखा, इसमें से एक्स कामन निकाल लो, एक्स कामन निकालेंगे तो क्या बचेगा, थ्री ए प्लस बी, ये वाला एक्स है ये वाला एक्स कट गया, क्या बचा, थ्री ए प्लस बी बराबर है किसके, सेवन के, ठीक है। तो मैं ये हमें बताए वाला है, थ्री ए और बी की जगह क्या है, वन बराबर है किसके, प्लस का वन, वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस का वन हो गया, छः हो गया, तीन मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो दो हो गया, ए की वैल्यू भी निकल गई। तो आपने पहले किसको कंपेयर किया, कॉन्स्टेंट को, फिर आपने किसको कंपेयर किया, एक्स वाली टर्म को, ये वाली एक्स वाली टर्म दोनों थी ऐसे, अब किसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा लेफ्ट साइड से एक्स स्क्वायर बराबर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर किसके साथ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स स्क्वायर, तो फिर कामन निकाल देंगे और एक्स स्क्वायर, वन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ वन आ गया, नीचे जाके डिवाइड किया वन आ गया, प्लस थ्री थ्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टू प्लस थ्री, टू को मान ले जाओ, वन माइनस टू, थ्री की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का वन, अब हम आपको थ्री में ले जाए, ये भी आ गया, अब हम एक्स स्क्वायर और सी क्या है, माइनस वन है तो मैंने माइनस लिखा वन, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री। तो ये आ गई आपके पास वो फ्रैक्शन जो इसके बराबर होगी, सही है, उतारिए। तो इसमें क्या किया जा सकता है, तीसरे सवाल में फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का थर्टी एक्स प्लस का फोर्टी फोर ऐसे लिखा, और इसके नीचे क्या आ गया, एक्स माइनस टू का होल क्यूब, ज़रा देख लें ये एक्स माइनस टू है एक्स माइनस थ्री है, बुक में देख लें ज़रा, टू माइनस टू है, सही है। अब आप देखें पावर क्या है, होल क्यूब है, इसके लिए कितने आपको वेरिएबल कॉन्स्टेंट लेने पड़ेंगे, तीन, ए अपॉन एक्स माइनस टू एक बार प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस टू का होल क्यूब, ये बात क्लियर हो गई सबको। अच्छा ये मैंने फाइव एक्स स्क्वायर ऐसी उतारा, माइनस का थर्टी एक्स ऐसी उतारा,
प्लस का 44 ऐसे ही उतारा, नीचे वाली रकम ऐसे ही x माइनस टू का होल क्यूब बराबर है किसके, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, क्या एलसीएम निकलेगा, x माइनस टू का होल क्यूब सब आ गए इसमें। अब आप इसको इससे कंपेयर करें, a लिख के, इससे ये कटेगा, बाकी कितने बचेंगे, स्क्वायर बचेगा, वन है ना, वन कट गया, तीन थे दो बच गए, प्लस इसको इससे कंपेयर करें, एक बचा x माइनस टू, और इसको इससे कंपेयर करें, सभी कट गया, ये वाली रकम इस वाली रकम से कैंसिल हो गई, यहाँ से बचा 5x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 44। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे खोलेंगे, ए मैंने ऐसे लिखा, इसको खोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, फार्मूला खोल लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी को एक्स से दिया बी एक्स, और बी को 2 से देंगे माइनस का 2b प्लस का सी। अगले स्टेप में ये मैंने ऐसे लिखा, 5x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 44 बराबर का निशान, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए से, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 4ax प्लस का 4a, ठीक है, और प्लस का bx और माइनस का 2b और प्लस का c। अब जनाब कांस्टेंट लेते हैं पहले, वही लिखेंगे आप, कंपेयरिंग लाइक वेरिएबल, ठीक है, बोथ साइड। तो पहले मैंने 44 पकड़ा, 44 वो है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ कौन कौन है जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, एक तो 4a है, माइनस का 2b है और प्लस का c है, ले भैया ये तो गड़बड़ हो गई, इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दें, सही है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं निकल पा रही इसमें से। अब हम x वाले को लेंगे, तो x वाला यहाँ क्या है, माइनस का 30 बराबर है, मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ, ये x का मैंने माइनस का 4a लिख दिया, यानी बजाय इसके कि मैं x कामन निकाल के काटूँ, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, माइनस का 4a, और x वाला कौन सा है, प्लस का b, बस ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया, और पहले में क्या हो गए थे, ये और ये हो गए, अब सिर्फ क्या बचा, x वाला यहाँ से क्या आएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 बना दें इसको, अच्छा, और x वाला जब x स्क्वायर वाला ले रहे हैं तो यहाँ से क्या बचा, 5, और यहाँ से क्या बचा, सिर्फ a, तो ये हमने किसके लिए लिया है, 4 कांस्टेंट, फोर कांस्टेंट, और ये किसके लिए लिया है, 4x, और ये किसके लिए लिया है, 4x स्क्वायर, ये बात क्लियर हो गई, तो तीन इक्वेशन आ गई, तीन इक्वेशन में जो तीसरी इक्वेशन थी वो बड़े मज़ेदार थी, वो क्या थी, a इज इक्वल टू 5, जैसे आपको a इज इक्वल टू 5 मिल गया, अब आप यहाँ रख के क्या निकाल सकते हैं, b, और जब a और b दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ रख के क्या निकाल सकते हैं, c, ये काम हुआ, ठीक है, तो पुटिंग a इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 2, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, पुटिंग a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, माइनस का 30 इज इक्वल टू माइनस का 4, a की जगह 5 प्लस का बी, दिमाग जैसे चल रहा है वैसे हाथ चल रहा है, माइनस का 30 ऐसे लिखा, 4×5 माइनस का 20 इज इक्वल प्लस का बी, माइनस का 20 वहाँ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 20, 30 में से 20 जाएगा माइनस का 10, ये आ गया आपके पास बी की वैल्यू। अब ए और बी की दोनों की वैल्यू किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के आपके पास 44 इज इक्वल टू 4 ए, ए की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 5
माइनस माइनस टू टू बी, बी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का टेन प्लस का सी, ठीक है। तो 44 ऐसे लिखा, पाँच चौक 20 और माइनस माइनस प्लस, 10 दूनी 20 प्लस का सी, 20 और 20 कितने होते हैं, 40 को यहाँ ले आओ माइनस का 40, 44 में से 40 गया 4, सी की वैल्यू क्या आ गई 4। जब ये आपके पास आ गया तो अब आपके पास जो फ्रैक्शन आई वो क्या होगी, ए ए की जगह 5 अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी, माइनस का 10 है तो मैंने यहाँ डायरेक्ट क्या कर दिया, माइनस का 10 अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सी, सी की जगह 4 अपॉन एक्स माइनस का 2 का होल क्यूब। ये हो गया इसका जवाब, उतारिए।